नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अपने समय की मशहूर अभिनेत्री वैजयंती माला का जीवन परिचय। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। वैजयंती माला का जन्म 13 अगस्त 1933 को भारत के चेन्नई में एक तमिल परिवार में हुआ था, जहां उनकी माँ वसुंधरा देवी एक प्रसिद्ध अभिनेत्री और नृत्यांगना थी। 4 साल की उम्र में उन्हें नृत्य का दिखावा पोप के साथ मिला। उम्र 15 साल में जब वे स्कूल के अंतिम वर्ष में थीं, तब परिवार के मित्र एमवी रमन ने उन्हें तमिल फिल्म वाजकई में भूमिका के लिए चुना। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया और 1951 में हिंदी में बहार के नाम से रिलीज हुई। 1949 में फिल्म उद्यम में कदम रखने के बाद वैजयंती माला ने भरतनाट्यम में भी अपनी कुशलता दिखाई और उन्होंने अब तक लगभग 62 फिल्मों में काम किया है, जिसमें अधिकांश फिल्में हिंदी में हैं। उनका फिल्मी करियर 1949 से 1990 तक चला। वैजयंती माला को देवदास, साधना, गंगा जमुना और संगम में उनके अद्वितीय प्रदर्शन के लिए 5 फिल्मफेयर पुरस्कार मिले। 1995 में उन्हें जीवन भर के योगदान के लिए लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी प्रदान किया गया। उनके डांस नंबर जैसे होठों पे ऐसी बात मैं दबा के चली आई, मन डोले मेरा तन डोले आज भी प्रसिद्ध हैं। संगम में उनकी फायर रेड स्विमसूट ने टहलका मचाया। वे अन्य दक्षिण भारतीय अभिनेत्रियों जैसे हेमा मालिनी, रेखा श्रीदेवी के लिए बॉलीवुड में मार्गदर्शिका रही। उनके करियर के प्रबंधन में उनकी दादी यदुगिरी देवी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राज कपूर के साथ उनके तलाक के बाद वे डॉक्टर चमनलाल बाली से शादी कर चेन्नई वापस आईं। वहां उनके एक बेटे अभिनेता सुचिंद्र बाली का जन्म हुआ। फिल्मों को छोड़कर वैजयंती माला ने झींगा पालन और नृत्य अकादमी स्थापित किया। वे राजनीति में भी उतरी और इंदिरा गांधी की कांग्रेस पार्टी से 1980 में संसद सदस्य बनी। 1999 में सैद्धांतिक मतभेदों के कारण उन्होंने राजनीति छोड़ी। पति के निधन के बाद वैजयंती माला अब अपने बेटे सुचिंद्र के साथ चेन्नई में रहती है। सुचिंद्र एक महत्वाकांक्षी अभिनेता है और उन्होंने बॉलीवुड से अपने आप को पूरी तरह से दूर कर लिया है। फिल्में वह आसानी से और एक दशक तक जारी रख सकती थी, पर वह नहीं की। उनकी हिट फिल्म नया दौर, जो पहले ब्लैक एंड व्हाइट थी, अब रंगीन होकर पुनः रिलीज हुई है। 2007 में उन्होंने अपनी आत्मकथा बॉन्डिंग प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने बताया कि उनका संगम में मुख्य अभिनेता और निर्देशक राज कपूर के साथ कोई अनबन नहीं था। 2011 में उनके बेटे सुचिंद्र और बहू नंदिनी ने उन्हें स्वरा नाम का एक पोता दिया। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद जी। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। SVP बायोग्राफी जीवन परिचय आपका दिन मंगलमय शुभ हो।